हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो साल पहले कंपनी का रिजल्ट है जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इसका शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए और इस पर बड़े बड़े ब्रोकरेज के क्या रहे। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या था। दोस्तों लाभ में काफ़ी तेज़ी हुई है, शुद्ध ब्याज आय भी बढ़ी है, बैलेंस शीट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और आय में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और रिवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकरेज ने इस शेयर को बाय करने की सलाह दी है और जो इसका टारगेट प्राइस है वो 2000 प्लस कर दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक का शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बैंक का शेयर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी होगा। और दोस्तों बैंक जो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और अपने क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विस्तार भी कर रही है और बैंक का फ्यूचर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कंपनी का ग्रोथ प्लान भी काफ़ी तेज़ी से है और साल दर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसलिए हमें शेयर को बाय करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।